नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका। ये है हमारा चौथा लेसन। चौथे लेसन का है ये हमारा फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट। ओके, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। घर में सेफ और सिक्योर हैं? अपने मम्मा पापा का कहना मान रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब, है ना? ओके, आज ये हमारा फोर्थ लेसन का नाम क्या है पता है आपको? अच्छी सीख। बहुत अच्छे, अपना लेसन खोल के रखो, बुक अपने सामने खोल के रखो। आज हम अच्छी सीख कविता पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? कविता, अच्छी सीख का मतलब क्या बताइए पहले? गुड हैबिट्स, गुड वैल्यूज, है ना? अच्छी सीख का मतलब है गुड वैल्यूज। हमारे पास गुड वैल्यूज है? हाँ, बहुत सारे हैं ना, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा बताइए, क्या क्या गुड वैल्यूज है? व्हाट एंड ऑल आर द गुड वैल्यूज बताइए। बहुत अच्छा, सुबह सुबह उठना, जल्दी उठना, दांत साफ करना, नहाना, मॉर्निंग ड्यूटीज करने का है, फिर नहा धो के अच्छे कपड़े पहनना है, बड़ों का कहना मानना है, और बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, बड़ों के साथ बहुत हम्बली, बहुत अच्छी तरह से बातें करनी पड़ेंगे, है ना? और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। बहुत अच्छे, वाह, कितना आंसर दिया आप लोगों ने, है ना? आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से, सो मेनी गुड वैल्यूज यू हैव ऑल सेड नाउ, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे, मुझे मालूम है आप सबके पास बहुत अच्छे गुड वैल्यूज है ना? तो आज हम चले कविता के अंदर। कविता के अंदर जाने से पहले हम थोड़ा सा गुड वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है? पुनरावृत्ति करना है पहले हमें। ओ, पुनरावृत्ति कौन से लेसन का करना है? थर्ड लेसन का, एकता में बल। एकता में बल, आपको याद है वो स्टोरी? डू यू रिमेम्बर दैट स्टोरी? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से याद है आपको। एक सांप था, जंगल में रहता था, जंगल में मेंढक और चींटियों को खाकर, सॉरी चींटियों को नहीं, चिड़ियों के अंडों को खाकर रहता था। धीरे धीरे बहुत मोटा बन गया था, उससे बिल के अंदर घुसा नहीं गया, बाहर निकला नहीं गया। इट वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू द होल एंड कम आउट ऑफ द होल बिकॉज इट एट सो मेनी फ्रॉग्स एंड द एग्स ऑफ द birds and it became so fat. So what he did? He decided to change his house and he changed his house to the big tree which have one hole inside that. It stayed there. Under that tree there was a ant house. So it disturbed the ants. All the ants, they made one plan to drive away the snake from that place. They had a plan. Then क्या हुआ? एक दिन, one day, according to their plan, उनके plan के हिसाब से, they all climbed upon the snake and started to bit the snake and started to bite the snake. क्या हुआ फिर? Snake वहां से भाग गया. The snake ran away from that place. ठीक है? देखिए उसका कुछ थोड़ा सा अभ्यास देख लेते हैं। नाक कैसा था? How was the नाक? विशाल, शांत, सुंदर। कैसा था? विशाल, बहुत बड़ा था। नाक बिल छोड़कर कहाँ रहने लगा? By leaving the bill, where did it went and reside? तालाब में, in a pond, पेड़ पर, on the tree, कुएं में, in the well,
पेड़ पर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। पेड़ के नीचे क्या था? व्हाट वॉज अंडर द ट्री? चट्टान, रॉक, पत्थर, स्टोन, चींटियों का घर, एंट्स हाउस। हाँ, वेरी गुड, एंट्स हाउस था। चींटियों ने क्या किया? व्हाट डिड चींटी डू? नाग को मारा, दे बेट द नाग। नाग को मित्र बनाया, दे मेड द नाग एज दियर फ्रेंड्स। नाग को भगाया, दे ड्राइव अवे द नाग फ्रॉम दैट प्लेस। यस, दे ड्राइव अवे द नाग फ्रॉम दैट प्लेस, है ना? देखो बच्चों, ये है स्त्रीलिंग शब्द। इन हिंदी ऑल द वर्ड्स आइदर इट वुड बी अ फेमिनाइन वर्ड और इट वुड बी अ मैस्कुलाइन वर्ड। ओके, यू नो फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। फेमिनाइन इज अ गर्ल्स नेम, मैस्कुलाइन इज अ बॉयज नेम। ओके, स्त्रीलिंग शब्द है गर्ल्स नेम। स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनाइन वर्ड्स, स्त्रीलिंग शब्द फेमिनाइन वर्ड्स। सी, सम ऑफ द वर्ड्स आर ऑलवेज वुड बी अ स्त्रीलिंग शब्द, ऑलवेज वुड बी अ फेमिनाइन वर्ड। इकारांत शब्द, इकारांत बड़ी की मात्रा, जो भी वर्ड्स बड़ी की मात्रा में कंप्लीट होता है, द वर्ड्स दैट कंप्लीट्स विद अ बड़ी की मात्रा, ऑल दोस वर्ड्स वुड बी अ फेमिनाइन वर्ड। ओके, देखिए, नदी बड़ी की मात्रा, मिठाई बड़ी की मात्रा, रोटी बड़ी की मात्रा। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स कम्स अंडर द फेमिनाइन वर्ड। नदियों के नाम, द रिवर्स ऑफ द नेम, नेम ऑफ द रिवर्स, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ऑल द रिवर वर्ड्स कम्स अंडर द स्त्रीलिंग शब्द। सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग शब्द के अंदर आ जाते हैं। आकारांत शब्द, आकारांत शब्द, दैट मीन्स द वर्ड दैट कंप्लीट्स विथ आ की मात्रा, नॉट ऑल द मात्रा, सम ऑफ द वर्ड्स आर देयर, द वर्ड दैट कंप्लीट्स विथ आ की मात्रा आर सम वर्ड्स दैट कम्स अंडर द स्त्रीलिंग वर्ड। परीक्षा, आ की मात्रा, प्रार्थना, आ की मात्रा, आशा, आ की मात्रा। ठीक है, द वर्ड्स दैट कंप्लीट्स विथ आ की मात्रा इज कम्स अंडर स्त्रीलिंग शब्द। देन भाषाओं के नाम, द नेम्स ऑफ द लैंग्वेजेस, हिंदी, जापानी, तुर्की आदि, आदि मीन्स एक्सेट्रा, ऑल द लैंग्वेजेस नेम्स कम्स अंडर कहां पर आ जाता है? स्त्रीलिंग शब्द के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? द वर्ड्स, व्हाट आर द वर्ड्स कम्स अंडर द मैस्कुलाइन वर्ड्स? देशों के नाम, द नेम ऑफ द कंट्रीज, ऑल द नेम्स ऑफ द कंट्रीज कम्स अंडर द मैस्कुलाइन वर्ड्स, भारत, अमेरिका, चीन, एक्सेट्रा। ओके, ऑल द कंट्री नेम्स। देन पर्वतों के नाम, द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स, ऑल द माउंटेन नेम्स कम्स अंडर द पुल्लिंग शब्द, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि, एक्सेट्रा। फलों के नाम, द फ्रूट्स नेम, ऑल फ्रूट्स नेम्स कम्स अंडर द मैस्कुलाइन वर्ड, संतरा, केला, आम और बहुत सारे, अंगूर, है ना, अनानास। ऑल द फ्रूट नेम्स कम्स अंडर द पुल्लिंग शब्द। दिनों के नाम, द नेम ऑफ द डेज, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऑल दीज सेवन नेम्स कम्स अंडर द पुल्लिंग शब्द। ये कहां पर आ जाते हैं? पुल्लिंग शब्द के अंदर आ जाते हैं। देन महीनों के नाम, द नेम ऑफ द मंथ्स, चैत्र, वैशाख, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
ऑल दीज वर्ड्स क्या हैं? ये सब शब्द क्या हैं? महीनों के नाम पुल्लिंग शब्द हैं, ये हैं पुल्लिंग शब्द। और देखिए स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द में जब हम स्त्रीलिंग शब्द को जब हम प्लूरल्स में बदलते हैं बहुवचन में, ओके, स्त्रीलिंग शब्द को जब हम बहुवचन में बदलते हैं, देखिए दिस एग्जिस्ट सम चेंजेस। देखिए नदी, नदी है ना, बड़ी की मात्रा नदी स्त्रीलिंग शब्द है। जब हम इसे बहुवचन में बदलते हैं, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाता है और पीछे हमें क्या लगाना है, या, पीछे क्या लगाना है, या। बड़ी की मात्रा विल चेंज इनटू छोटी की मात्रा, देन वी हैव टू ऐड या बाय फॉर चेंजिंग द सिंगुलर टू प्लूरल। ओके, मिठाई मिठाइयां, स्वीट स्वीट्स, रोटी रोटियां, देखिए सब बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गए। यमुना, द वर्ड्स, सम वर्ड्स आर देयर दैट कैन नॉट, दैट विल नॉट चेंज इट्स नेम। यमुना इज अ वेन ओनली वन नेम, द रिवर ऑफ द नेम ओनली वन, सो इट विल नॉट चेंज इन टू प्लूरल। हाउ वन नेम विल चेंज इन टू प्लूरल? इट विल नॉट चेंज, इजंट इट? द सन, सन इज ओनली वन नेम, it will is there many suns there? sun suns there? no, only one is there, so it will not change into plural. So dekhe yamuna, there is only one yamuna river, so it will not change, yamuna yamuna. ganga, only one river, ek hi nadi hai, so ye bhi badlega nahi. saraswati bhi ek hi nadi hai, ye bhi plural mein change nahi hoga. और देखिए परीक्षा, आ की मात्रा में जो शब्द खत्म होते हैं, द वर्ड्स दैट एंड्स विद आ की मात्रा इन हिंदी, व्हेन यू चेंज दोस वर्ड्स इनटू द प्लूरल फॉर्म, देखिए इसे वैसे लिख के ये लगाना है, इसे सिर्फ ये लगाना है, परीक्षा परीक्षाएं, प्रार्थना प्रार्थनाएं, आशा आशाएं, ठीक है। और देखिए हिंदी, देयर इज ओनली वन हिंदी लैंग्वेज, सो देयर इज नो प्लूरल फॉर्म दैट वर्ड, सो हिंदी हिंदी। जापानी, ओनली वन जापानी लैंग्वेज, सो जापानी। तुर्की, देयर इज ओनली वन तुर्की लैंग्वेज, सो तुर्की, देयर इज नो प्लूरल फॉर्म दिस, ठीक है। और देखिए पुल्लिंग शब्द, देशों के नाम हमने देख लिया था पहले भी एक बार, ओके। अब हम आ गए हैं अच्छी सीख के अंदर। अच्छी सीख हमारी कौन कौन सी है? बहुत सारे वैल्यूज आपने बताए थे, है ना, अच्छी सीख बताए थे। देखें क्या क्या अच्छी सीख है। सुबह सवेरे उठना सीखो, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो कुत्ता कैसे खींच रहा है, उसे उठा रहा है, दीदी को उठा रहा है, दीदी उठो उठो उठो, सूरज आ गया उठो, है ना। देखिए कैसे कह रहा है, उठा रहा है इसे। हमारे घर का पप्पी भी हमें ऐसे उठाता है। Our dog is also makes us to wake up like this only. Okay, it will pull our bed sheets and it will come and lick our face, it will lick our hands and all. Okay, like this it will, the dogs are very good in nature. They will wake up early in the morning, है ना? Like that. They are us also trying us to make us early, wake up early in the morning. दांत साफ कर रहे हैं, देखो आप सब सुबह सवेरे दांत साफ करते हैं। रोज सुबह और शाम को दांत साफ करना चाहिए। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग वी शुड हैव टू ब्रश अवर टीथ, ब्रश अवर टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश 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 योर टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश 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 योर टीथ every evening in every day in the evening, ठीक है। सुबह और शाम को दांत साफ करना चाहिए। it will protect your teeth from the cavities. cavity दांत में आना अच्छा लगता है क्या? black black दांत गंदा लगता है ना, ठीक है बच्चों। okay, हम next slide में अपना कविता start कर लेते हैं, ठीक है।